हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कुछ फुल फॉर्म के बारे में जो मैंने बताया था वो इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर आप लोगों को आते ही होंगे। मैंने जितने भी अभी फुल फॉर्म मिल पाए हैं वो मैंने इस वीडियो में रखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो फुल फॉर्म है वो है GIF का है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ तो आप लोगों को आते हैं, कुछ देखिए ऐसा होता है ना, जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो एक ही जैसे आता है, चाइनीज़ ऑप्शन जिसको बोलते हैं, कि एक ही जैसा सब आता है और लास्ट में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो एक बार रिवीजन के तौर पे ये वाला वीडियो देखिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस, ठीक। तो फिर इसके बाद GIF हो गया, फिर इसके बाद MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम है, और फिर इसके बाद दिया गया AIFF जिसमें दिया गया ऑडियो इंटरचेंज फाइल, और एफ का हो जाएगा फोल्डर, ठीक है। कहीं कहीं और कुछ भी दिया गया एफ का, लास्ट वाले एफ का बोला जा रहा। और फिर AVI जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, और फिर इसके बाद है MPEG, तो MPEG का फुल फॉर्म हो जाएगा मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। और फिर इसके बाद है VRML, और इसका हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, और फिर SCBT, तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हो जाएगा ये। और फिर WWW का तो बहुत ही बार प्रैक्टिस भी हो चुकी है, वर्ल्ड वाइड वेब, और ज़्यादातर को तो आता ही होगा। फिर इसके बाद है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। और फिर JPEG ये हो चुका है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और फिर इसके बाद है PNG का हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और फिर इसके बाद दिया गया है TT का फुल फॉर्म हो जाएगा टीचिंग टेक्नोलॉजी, और IT का हो जाएगा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, और BT का हो जाएगा बिहेवियर टेक्नोलॉजी, और ID का हो जाएगा इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, ठीक है। और फिर इसके बाद आया CAI जो अभी फिजिकल साइंस में पूछा भी गया था CAI का, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। और फिर है AAC जिसका हो जाएगा एडवांस ऑडियो कोडिंग, और फिर AIFF का हो जाएगा ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, और फिर दिया गया MP3 का हो जाएगा MPEG लेयर 3, और WAV का हो जाएगा विंडोज वेव साउंड, और फिर है WMA का हो जाएगा विंडोज मीडिया ऑडियो, और फिर MAN और WAN और LAN, ठीक है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लोकल की जगह लोकेलिटी भी हो सकती है। और फिर इसके बाद दिया गया है URL, तो इसका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और PPS पावर पॉइंट सिमुलेशन, और IRI इंटरएक्टिव रिमोट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट ये फुल फॉर्म हो गए, जिससे एक बार एग्ज़ाम में देखिए पहले तो आ ही चुका है फर्स्ट में, और इस वाले जो टेक्नोलॉजिकल वाला है इसमें भी आने के चांसेस हैं अप्रॉक्स 2, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन ही वाले हैं, ज़्यादा इस पर ध्यान देना नहीं है, बस खटाखट एक बार देखते रहिए, खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। इसको कुछ ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, तुरंत एक बार देखिए और खटाखट याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो और बाकी के वीडियो भी आज अपलोड करेंगे इम्पॉर्टेंट नोट्स की, बाकी आप लोग MCQ देख ही चुके होंगे सारे। चलिए, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।